हेलो दोस्तों, बिना कोई टाइम पास आप देख रहे हैं टेक हेल्पर विकास। तो थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही चुके होंगे कि मैं आप लोगों को आज क्या बताने जा रहा हूं। जी हां दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को ऐसा माइक बनाने बताऊंगा, वो भी घर पर। ये माइक दोस्तों मैंने अमेजोन से लिया है, जो कि इसका मूल्य है 150 रुपये, ठीक है। लेकिन मैं इसको बिना खर्च के आपको घर में बनाना बताऊँगा कैसे बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो में। ये माइक है दोस्तों, बिल्कुल इसी टाइप का माइक घर में आपको बनाना बताऊंगा, और इसके सेटिंग्स के बारे में भी मैं अभी आपको खोल के इसके माइक को दिखाऊंगा कि क्या क्या इसमें रहता है और ये कैसे बनता है, ठीक है। और बिना कोई पैसे खर्च किए आप आराम से अपने घर में माइक बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। तो माइक बनाने के लिए सबसे पहले हमको लेना होगा एक ईयरफोन, ठीक है। ईयरफोन कैसा भी हो, टूटा फूटा हो या कैसा भी ईयरफोन हो चलेगा, ठीक है दोस्तों। चाहे ख़राब ईयरफोन क्यों ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमको एक ईयरफोन चाहिए जो सबके घरों में होता है और सभी के पास होता है, ठीक है। तो बिना कोई पैसे खर्च किए आप घर में बिल्कुल इस टाइप का माइक बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए कैसे, तो सबसे पहले हमको ईयरफोन को खोलना होगा, ठीक है। तो चलिए हम ओपन कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको इस माइक को भी खोल के दिखाऊंगा इसमें क्या क्या रहते हैं और कैसे कैसे सेट होता है और कैसी सेटिंग्स इसके अंदर की होती है और इसमें क्या क्या रहते हैं, इसका माइक कैसे रहता है अंदर में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको सभी चीज़ अभी एक एक करके बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, ठीक है दोस्तों। देखिए मैंने ईयरफोन को ओपन कर लिया है। इसके अंदर देखिए एक माइक है, एक बटन है और दो वायर निकले हुए हैं जो ईयरफोन जो हमारे कान में लगते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको जो आपको दो जो कान में लगाते हैं हम लोग, उसको आप कट कर दीजिए। ऐसे रख भी सकते हैं लेकिन हम लोग कट कर देते हैं उसको, ठीक है। तो कट करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमने अपने ईयरफोन को कट कर चुका है और ये देखिए कट करने के बाद इसका माइक सिर्फ हमने रहने दिया और बाकी दोनों वायर को हमने निकाल दिया जो हम लोग कान में लगाते थे, ठीक है। और कट करके हम सिर्फ इसमें माइक को रहने दिए हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप भी कर लीजिएगा। उसके करने के बाद देखिए क्या करना है, बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं ये खोल के आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और इसी के टाइप का सेम आपको बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए रेडी हो चुका है, सिर्फ मैंने माइक को रहने दिया है, ठीक है। ये लग चुका है लेकिन देख दोस्तों ये अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, ठीक है। और माइक की तरह बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, तो इसके लिए हम इसको हटा देते हैं। चलिए इसको खोल के हटा देते हैं, उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसको देखिए खोल के हटा दिया मैंने। अब इसको हम अपना माइक का जो है पहले वाला माइक उसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इसको भी मैं पूरा ओपन करके आपको दिखाऊँगा कि क्या होता है इसमें, क्या रहता है, ठीक है दोस्तों। इससे निकाल के मैंने उसमें सेट कर दिया है। इस तरह से अच्छे से आप कि वायर ना टूटे अच्छी तरह से उसको सेट कर लें। ये देखिए दोस्तों कितना हैवी लग रहा है, मस्त लग रहा है, और इससे ज़्यादा काम ये माइक करेगा, क्योंकि मैं इसको अभी खोल के दिखाता हूँ इसमें कौन सा माइक लगा हुआ रहता है, ठीक है। और ये जो आपको क्लिप नज़र आ रहा है लगाने के लिए शर्ट में, उसी तरह का क्लिप मैं आप इसको मैं लगाना बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको खोल के दिखाता हूँ क्या होता है इसमें। चलिए अपने अपने माइक को खोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, उसके वायर को हटा लेता हूँ, सीधा कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए एक क्लिप है जो आप अपने शर्ट में लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी तरह का क्लिप मैं आपको उस माइक में भी लगाना बताऊंगा। अब देखते हैं इसके अंदर क्या रहता है, इस माइक के अंदर रहता क्या है, ठीक है, कौन सा माइक रहता है। चलिए इसको ओपन करते हैं। ये देखिए दोस्तों मैंने इसको ओपन किया, तो ये देखिए बिल्कुल सेम टाइप का माइक रहता है जो हमारे ईयरफोन में, जो ईयरफोन में रहता है उसी टाइप का माइक, सेम वही माइक है, ठीक है दोस्तों। मैंने सोचा था इसमें कुछ अलग माइक होगा और कुछ और चीज़ होंगे, कोई किट होगा, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ वायर है और
जो है ईयरफोन में माइक रहता है वही वाला माइक है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से ये आप लोग समझ लीजिए। आज आप लोगों को मैंने लाइव प्रूफ करके दिखाया कि क्या रहता है माइक में और क्या होता है। ठीक है, बिल्कुल ईयरफोन का ही माइक रहता है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब मैं उस माइक में आपको क्लिप लगाना बताता हूँ। और ये जो माइक आपको दिख रहा है दोस्तों, ये माइक वाला आप मोटा जो रुई रहता है उसको लेके कट करके आप उसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्लिप कैसे लगाते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको एक सोल्जर क्लिप लेना होगा। ठीक है, इसको जो भी बोलिए सोल्जर क्लिप, बेबी क्लिप, इसको आपको लेना होगा। ठीक है, अब इसको आप अपने वायर में लगा दीजिए, ईयरफोन के वायर में। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, अच्छे से इसको सेट कर लें। ये देखिए सेट हो चुका है। अब आप इसको अपने शर्ट में आसानी से लगा सकते हैं। आप चाहें तो इसको इसमें फिक्स भी कर सकते हैं फेविक्विक से या तो फिर सेलो टेप से। ठीक है दोस्तों, तो ये तो क्लिप हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको चेक करते हैं। मैं अपने मोबाइल में एक अलग माइक लगा के रखा हूँ जिससे मैं आपको रिकॉर्ड करके बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं उसको निकाल के ये माइक सेट करता हूँ। तो चलिए मैं उसको निकालता हूँ और ये वाला लगाता हूँ। चलिए मैंने उसको निकाल के रख दिया और ये वाला मैं लगाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, आपको आवाज़ आ रहा होगा। ठीक है, ये बहुत ही हैवी बन चुका है दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार, और इससे ज़्यादा क्लियर आवाज़ इससे आ रहा है क्योंकि ये ईयरफोन महंगा वाला था, ओरिजिनल ईयरफोन था सैमसंग का, और इसका माइक भी मस्त था। ठीक है दोस्तों, ये देखिए मेरे माइक से जो मैंने अमेजोन से लिया था उससे ज़्यादा आवाज़ इससे आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप भी अपने घर में माइक को बना सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ मिले सबसे पहले आपको। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।